माता दी, कैसे हो आप? मैं आपकी एस्ट्रो आशा आपका इस वीडियो में बेहद दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी शीशे के बारे में। शीशा हम सबके घरों में होता ही है, जिसका इस्तेमाल हम खुद को सजने सवरने के लिए करते हैं। जब भी हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो एक बार शीशे में खुद को जरूर देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हमारा चेहरा साफ था, अब पता नहीं हमारे चेहरे पर काले काले निशान पड़ गए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, तो कहीं आपने अपना शीशा गलत दिशा में तो नहीं रखा हुआ? अगर आपने अपना शीशा गलत दिशा में रखा हुआ है तो ये सब होना स्वाभाविक ही है। आपको कभी भी अपना शीशा दक्षिण दीवार की तरफ नहीं रखना है। अगर आप अपने शीशे को दक्षिण की दीवार पर रखेंगे तो ये सब होना स्वाभाविक ही है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने शीशे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। दूसरा, घर में कभी भी गोल या अंडाकार शीशा नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा चौरस या आयताकार शीशा ही घर में लगाना चाहिए। आपको अपने बेडरूम में शीशा कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको जगह की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आपको रखना ही पड़ेगा, तो आप ऐसे रखिए कि वो आपके बेड से दिखाई ना दे। अगर आपका शीशा आपके बेड से दिखाई देता है तो ये घर में एक वास्तु दोष हो जाता है। इसलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप शीशे को हमेशा ढककर रखिए। आप अगर उसे ढककर रखेंगे तो आप ये घर के जो वास्तु दोष है इससे बचे रहेंगे। आपको सुबह उठकर कभी भी अपना चेहरा शीशे में नहीं देखना चाहिए। आप अगर उठते सार अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो आपका जो जीवन है वो तनाव से घिरा रहेगा। हमेशा किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रहेगी, चाहे आप बच्चों से परेशान रहेंगे, चाहे खर्चों से परेशान रहेंगे, चाहे घर के झगड़ों से परेशान रहेंगे, लेकिन आप परेशान रहेंगे अगर आपकी आदत है सुबह उठकर शीशा देखने की। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जय माता दी।